Thank you.
Are you okay? She is okay. Just had a shock. Come on, get up. तुम लोग कौन हो? मुझे यहाँ पर कौन लाया? Welcome to the house. तुम सबको किडनैप करके मैं यहाँ लाया हूँ. मेरी परमिशन के बिना तुम लोग यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हो. और बाहर जाने का कोई चांस भी नहीं. अब तुम सब लोग इसी हाउस में रहोगे. दिस हाउस इज अंडर माई कंट्रोल. तुम सबके सेलफोन मेरे पास हैं. योर क्वेश्चंस विल नॉट आंसर्ड हियर. यू लाइक द स्ट्राइक एंड व्हाई आई एम हियर. यहां पर तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं मिलेगा. यहां सवाल भी मैं हूं और जवाब भी मैं ही हूं. तुम जो आवाज सुन रहे हो मेरी नहीं है. इट्स अ कंप्यूटराइज प्रोसेसिंग वॉइस. So, not try to identify me. मैं तुम सबको एक गेम देने वाला हूं. उस गेम को जीतने वाले विनर को 10 करोड़ इनाम में दूंगा. मैं ये गेम क्यों करवा रहा हूं? इस गेम के लिए तुम ही 7 लोगों को क्यों सिलेक्ट किया गया है? इसका भी यहां तुम्हें कोई जवाब नहीं देगा. ठीक 1 घंटे बाद तुम्हारा गेम स्टार्ट होगा. तब तक फूड्स, ड्रिंक्स, एवरीथिंग विल सर्व टू यू. Eat, drink and enjoy. You will listen this mic again after 1 hour. Till then, goodbye, my dear friends. Who the hell is? वो कौन है जो हमें गेम खेलने के लिए कह रहा है? गेम के लिए हमें किडनैप किया? No, I don't want to stay here. I want to leave now immediately. आखिर वो होता कौन है? मुझे ना उसका पैसा चाहिए और ना ये गेम खेलना है. मैं यहाँ से जा रही हूँ. Shit! I'm totally confusing. वैसे तुम लोग कौन हो? ये घर किसका है? हम सब यहाँ क्या कर रहे हैं? सुना नहीं तुमने? किडनैप किया है उसने. बदले में 10 करोड़ दे रहा है. देखते हैं कौन सा गेम खिलाता है. इसमें किडनैप करने की क्या जरूरत थी? ऐसा ही बोला होता कि गेम खिलाकर 10 करोड़ दूंगा तो हम खुद चले आते. भाई गेम खेलने की क्या जरूरत है? हम लोग आपस में पैसे बांट लेते हैं और फिर यहाँ से कल्टी हो जाते हैं. क्या बोलते हो? वो हमें यहाँ पर इनविटेशन देकर यहाँ कॉम्पिटिशन में सिलेक्ट करने नहीं लाया, समझा क्या तू? किडनैप किया उसने, पागल समझता क्या उसे? पता नहीं, हो सकता है. नो डाउट, कन्फर्म वो पागल ही है. भैया वैसे वो कौन सा गेम खिलाने वाला है? शिट! और वो 10 करोड़ देगा या नहीं? शांत हो जाओ भैया, शांत हो जाओ. नो डाउट भाई, ये गेम क्या है मैं समझ गया हूँ. आजकल टीवी में बिग बॉस, येलो बॉस जैसे बहुत सारे गेम चलते रहते हैं ना, ये गेम भी वैसा ही होगा. रियलिटी शो में सर दर्द नहीं होता, सिंपल. ब्रांड तो बहुत अच्छा है. ये गेम जैसा भी हो इस ब्रांड की तरह ही होगा. अब 10 करोड़ हमारे हैं.
ए, रुको रुको, उसमें जहर हुआ तो? अगर उसे जहर देकर मारना होता तो हमें यहाँ पर किडनैप करके नहीं लाता. इट्स सेफ फूड. या ही इज राइट. यू कैन हैव इट. कम ऑन, लेट्स हैव इट. वेट वेट, या इट्स सेफ, कम ऑन हैव इट. यहाँ इतना टेंशन है और तुम लोग खाने पीने की बात कर रहे हो. टेंशन लेने से कुछ नहीं मिलेगा, खाने पीने से मिल जाएगी एनर्जी. और वो जो गेम देने वाला है उसके लिए एनर्जी ही चाहिए. वो जो भी गेम देगा उसके बारे में बाद में सोचेंगे, पहले रिलैक्स. रिलैक्स होने के लिए तो उसने वो सामान ही नहीं भेजा और तू बोलता है रिलैक्स हो जा. इडियट. मेरी फेवरेट ब्रांडी. टेंशन लेने से कुछ नहीं होता, डांस करने से आता है मजा. इंजॉय बेब. अरे सुनो भाई, हमें वो 10 करोड़ देने वाला है ना, वो चेक से देगा या कैश देगा? अगर कैश देगा तो साथ में सूटकेस फ्री देना पड़ेगा ना. तुझे क्या चाहिए, चेक या कैश? चेक में तो प्रॉब्लम होगी, इनकम टैक्स देना पड़ेगा. कैश ही ठीक रहेगा. मतलब वो जो गेम खिलाने वाला है उसमें तू ही जीतेगा, ये फिक्स हो गया है क्या? एक बात बोलूं भाई, मैं बहुत लकी इंसान हूँ. आज तक मैंने जो भी गेम खेला है उसमें कभी हारा नहीं. और वैसे भी उसके कहने के मुताबिक टाइम तो हो चुका है, उसकी आवाज नहीं आई. मैं पैसे लेकर जल्दी जाना चाहता हूँ, कहीं वो सो तो नहीं गया. और इंतजार नहीं होता. बॉस जी, बॉस जी, 1 घंटा पूरा हो चुका है, भूल गए क्या? माय डियर फ्रेंड्स, यू ऑल एंजॉय द फूड एंड ड्रिंक्स. नाउ अबव द गेम, इस पूरे हाउस में वीडियो कैमरे लगा दिए गए हैं. Right now, I'm watching you all. मैं तुम्हारी हर हरकत देख रहा हूं, मैं तुम्हारी हर बात को सुन रहा हूं. Everybody must play this game. No way to escape. And there is no exit for this game. One of you will win. And the save 10 crores. For his or her participation. Yes, इस गेम में जीतने वाले को मैं 10 करोड़ का इनाम जरूर दूंगा. गेम विनर को मैं कौन हूं, ये गेम मैंने किस लिए किया, जीतने के बाद पता चलेगा. Now about the game. After 24 hours का टाइम countdown शुरू होगा. उस 24 hours से लेकर 0 hours तक तुम लोगों में से सिर्फ एक आदमी जिंदा रहना चाहिए, सिर्फ एक आदमी. यस, इट्स माय गेम शो. ऑल यू हैव टू डू टू विद द प्राइज मनी इज टू बी हु हैव अप टू वॉक आउट फ्रॉम द हाउस अलाइव काउंटडाउन पूरा होने के बाद. अगर तुम लोग ज्यादा बच गए तो मैं खुद तुम लोगों को मार दूंगा. सो 24 आवर्स काउंटडाउन. इस गेम के बारे में तुम लोग समझ चुके होंगे. दैट्स द गेम. दिस इज द अल्टीमेट डिस्टर्ब ह्यूमन कैरेक्टर. इट्स दिस प्योरली फॉर माई एंटरटेनमेंट. माई एंटरटेनमेंट. सो गुड लक टू द बेस्ट पर्सन अलाइव टू विन दिस गेम. इट्स टाइम टू स्टार्ट द गेम. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. The faith is up to you. G-
गेम क्या है समझ गया ना? स्टार्ट करें क्या? तू रेडी है ना? मतलब तुम लोग सब मिलकर मुझे मार दोगे क्या? 10 करोड़ पाने के लिए मरना तो पड़ेगा ही ना। सच में मुझे मार डालोगे तुम लोग? तुझे डाउट है क्या? Stop this! ये मजाक करने का समय है क्या? हम लोग उसके जाल में बुरी तरह से फंस चुके हैं। वो मौत का गेम खेल रहा है। So, इस गेम से कैसे बचा जाए पहले ये सोचो। Hey, मिस्टर, you know who am I? तू जानता है मैं कौन हूँ? मैं एक मिनिस्टर का बेटा हूँ। मेरे साथ गेम खेलना चाहता है तू? अगर मुझे कुछ हुआ ना तो मेरे पिताजी तुझे नहीं छोड़ेंगे। माइंड इट। इसका मतलब क्या है? हम लोग आपस में ही एक दूसरे को मारना शुरू कर दें? Oh God, he's so crazy. Very interesting. 10 crore prize money, 24 hours, one alive. एक का बचना जरूरी है। Nice game. No doubt. लेकिन वो हम सबको मार देगा। हाँ, इसलिए हम सबको किडनैप करके यहाँ पर लाया है। अब हम में से कोई नहीं बचेगा। ये इंसान नहीं जल्लाद है। He is a big psycho. You bloody stupid! ये सब क्यों कर रहा है तू? Don't shout. Silence. All of you come here. I am a police officer. Police officer. All of you come here. This is not a game. वो हम लोगों को किडनैप करके लाया है। इसके पीछे कोई राज है। इसीलिए वो सबको एक दूसरे से मरवाना चाहता है। ये उसका प्लान है। So he strongly decided to kill all of us. हम सबको मारना चाहता है। इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। पहला, हम सब ने उसके साथ कुछ किया होगा। दूसरा, वो कोई सैडिस्ट होगा। भैया, वो भूत भी हो सकता है। Stop the bloody discussion. वो एक प्री प्लान से हमें किडनैप करके लाया है। इसका मतलब वो पागल नहीं है और भूत भी नहीं है। वो डेफिनेटली हम सबको यहां मारने के लिए ही लाया है। So, पहले ये पता करना चाहिए वो कौन है, हमारी उससे दुश्मनी क्या है, आखिर वो हम ही लोगों को क्यों मारना चाहता है, हम सबका आपस में लिंक क्या है, हम सबका बैकग्राउंड क्या है, एक दूसरे को हम सब ओपनली बताएंगे, ठीक है ना? ओके। मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं। चौकी से घर के लिए निकला तब मुझे किडनैप किया। और तुम? मेरा नाम बलवंत सिंह है। दोस्त लोग मुझे प्ले बॉय बबलू के नाम से बुलाते हैं। पब में जाना और बार में जाना, लड़कियों के साथ एंजॉय करना मेरी रूटीन हॉबीज है। मुझे जब किडनैप किया गया तब रोज की तरह अपनी आइटम के पास से आ रहा था। उस दिन कहां गई दिखाई नहीं देती हो? यही है तेरा फ्लैशबैक? लकी फेलो। I am Jagat. Everybody calls me Jack. बताने लायक मेरा कोई फ्लैशबैक नहीं है। मेरे पिताजी एक मिनिस्टर है। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। मैं अपने फ्रेंड के घर से लौट रहा था तब मुझे किडनैप किया। I don't know why I'm here. That's all. I am Madhu. मधु शर्मा। डॉक्टर हूँ। पोस्टमार्टम केसेस हैंडल किया करती हूँ। रेगुलरली आई एम डूइंग माय जॉब। पार्टी से लेट निकलते वक्त मुझे किडनैप किया गया। लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। That's it. My name is Anthony. जेल से भाग कर आया हूं।
मैं एक स्मगलर हूं। यस आई एम अ स्मगलर। बार से बाहर निकला तभी मुझे किडनैप किया गया था। कौन सी जेल से भाग कर आए हो? अरेस्ट करोगे क्या? हम तो ऑलरेडी हाउस अरेस्ट हो चुके हैं साहब, फिर भी मुझे अरेस्ट करना है तो पहले हम सबको यहां से बाहर निकालना पड़ेगा। मेरा नाम अभिनव है, मैं स्विमिंग कोच हूं। गर्ल्स स्टूडेंट को स्विमिंग सिखाता हूं। जस्ट वॉकिंग ऑन द रोड किडनैप हुआ, कुछ समझ में नहीं आया। मेरा नाम निकिता है, सब मुझे निकी कहकर बुलाते हैं। आई एम अ बार डांसर। समटाइम्स आई गो विद कस्टमर्स। उस रोज भी मैं एक कस्टमर के पास जा रही थी तभी मुझे किडनैप कर लिया। हम सब एक दूसरे के बारे में जान चुके हैं स्टिल, लेकिन उसका हमारे साथ क्या लिंक है समझ में नहीं आ रहा। मैं पुलिस वाला, वो एक डॉक्टर, ये स्टूडेंट, ये प्ले बॉय और ये बार डांसर, और तुम कोच स्मगलर। हम लोगों का आपस में कोई संबंध नहीं है और ना एक दूसरे को जानते हैं। बट उसने हमें ही क्यों किडनैप किया समझ नहीं पा रहा हूं। एनीवे हम सबको सतर्क रहना होगा। हम लोगों को यहां से बाहर निकलने का मिलकर रास्ता ढूंढना है। ओके ओके ओके। ए तू नहीं ढूंढेगा, चला जा। मुझे नहीं आना, तुम लोग जाओ। ओके। घबराओ मत, मैं पहले ही बता चुका हूं आई एम अ पुलिस ऑफिसर। मैं तुम सबको यहां से कैसे बचाऊं वो सोच रहा हूं। इस गन से हम एक दूसरे को मार दें ये उसका प्लान है, इसीलिए ये गन उसने भेजी है। अब इसी गन को हम ढाल बनाकर यहां से निकलेंगे। ओके कम विथ मी। वेस्ट, यू ऑल आर वेस्टिंग द टाइम। वो बहुत चालाक है, भागने का कोई चांस नहीं। तुम सब कोशिश कर लो। Come on guys, come with me. Stay back. Oh God.
गाइस कम हियर कम ऑन लिफ्ट वन Come on, guys. Move. Chalo, come on. Come on. बाहर से कोई गाड़ी जा रही है। मैंने पहले ही बोला था तुम्हें अपना दिमाग। इस्तेमाल मत करो। यू ब्लडी बगर यू ब्लडी इडियट। क्या हुआ? पता नहीं। चलो यहां से। हु द हेल आर यू? वेयर आर यू हिडन? Come on! हिम्मत है तो सामने आकर बात कर, फिर तुझे दिखाता हूं मेरे डैडी मिनिस्टर है। मौत का खेल खेलने के लिए 24 घंटे दे रहा है? आजा, मेरे सामने आए तो तुझे मौत की नींद सुनाता मैं। एए, आजा! You son of a bitch! Come on! Come on, kill me! I will kill you, bastard! मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ताले डरपोक! भागा! छुपा क्या है? Come on! बाहर निकल! तू मुझे क्या मारेगा? मैं तुझे मार दूंगा, you bloody fool! भाई उसे बचाओ, चलो बचाओ, बचाओ।
तुम्हें जो समय दिया था उसका आधा समय निकल चुका है। अब तक तुम अपना गेम स्टार्ट नहीं किए हो, फौरन शुरू कर दो। इस हाउस में 9 कमरे हैं, वो कमरे इसी गेम के लिए बने हैं। तुम लोग गेम शुरू करोगे तो उसके बाद हर एक रूम से करंट को निकाल दिया जाएगा। दिस पावर ऑफ टाइम मे हेल्प यू टू स्टॉप द गेम एंड प्ले द गेम। वन थिंग इज कन्फर्म दैट ये गेम खत्म होने के बाद एक से ज्यादा जिंदा बचे तो मैं उसको इससे भी भयानक मौत मारूंगा। जिंदा रहना है तो अपने साथी को मारना होगा। सो तुम में से कौन जिंदा रहेगा और कौन मरेगा, जल्दी फैसला कर लो। डोंट वेस्ट योर टाइम, बट ओनली वन हैव टू अलाइव। इसकी आंखें इतनी बड़ी कैसे हो गई? नसों में ब्लड सर्कुलेशन एकदम बंद हो जाने की वजह से इसकी आंखें खुल गई होगी। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ये गेम नहीं है, प्री प्लान है। कितनी बेरहमी से गला काटा है इसका। अब आगे वो जिसे मारेगा कैसे मारेगा सोच लो। अब हमें होशियार रहना होगा। इस सर के यहां रहने से अच्छा है उस कमरे में रख दे। क्यों गेम शुरू करना है? गन उसके पास है, वो गेम कभी भी स्टार्ट कर सकता है। वो तो सेफ जोन में है, बट व्हाट अबाउट अस? तो हम मतलब मैं तुम सबको मार दूंगा यही सोच रहे हो? यहां पर कोई भी एक दूसरे को मारने नहीं आया है, लेकिन हम लोगों में से ऑलरेडी एक मर चुका है। सो एनी टाइम एनी आवर एनी मिनट सिचुएशन को चेंज करना चाहिए। यस, तुम ठीक कह रहे हो। किसको पता कि वही 10 करोड़ की लालच में आकर हम सबको जान से मार दे तो? लेकिन वो तो हमें बचाने की कोशिश कर रहा है। उसने हमारे एक साथी को कितनी बेरहमी से मारा, उसे क्यों नहीं बचाया इसने? वो गन अब मुझे दे दे। तुम नहीं मारोगे इसकी क्या गारंटी है? ओके, उसने हम सब के लिए एक एक बुलेट दिया है, टोटल 7 बुलेट्स। उसमें से एक बुलेट ऑलरेडी चल चुका है, अब इस गन में 6 बुलेट बचे हैं। हर बुलेट पर एक मौत। सो जिसकी बुलेट है उसे दे दो। ये ठीक है, जिसकी बुलेट उसे दे दो, तभी हमारी सेफ्टी रहेगी। ये लो, तुम भी लो, यू ऑल्सो। ठीक है ना? अब खुश हो ना? ये बुलेट लेकर हम क्या करेंगे? बिना गन के ये किसी काम की नहीं। Oh!
He started the game. He is the killer. क्या मैंने मारा इसे? मरते वक्त तूने देखा था मुझे? उसे मारकर मुझे क्या मिलेगा हाँ? 10 करोड़ रुपए। तू बहुत पहले से हम दोनों को मारना चाहता था। मुझे नहीं मार पाया, तो तूने उसे मार दिया। साला झूठ बोलता है। मैं तुझे नहीं छोडूंगा, मार डालूंगा तुझे। मैं कब से तुझे देख रहा हूँ, तू उसके साथ मिला हुआ है। मैं तुम सबको बचाना चाहता हूँ और तू हम सबको मारने का प्लान बना रहा है। प्लान बनाने की जरूरत मुझे नहीं है, पहले से ही तू हम सबको हैंडल कर रहा है। तेरे पास ही गन है, उसे भी तू नहीं मारा है। यू आर द किलर, यू आर द क्रिमिनल। नो, आई एम नॉट अ किलर, आई एम नॉट अ क्रिमिनल। यू आर जेल से भागकर तू आया है या मैं? आई एम अ पुलिस, आई एम अ पुलिस। स्टॉप दिस, फर्स्ट शो मी योर बुलेट्स, शो मी। This is mine. Show me your bullet. Five bullets. सारे यही तो हैं। वो, oh my God, इसका बुलेट तो नहीं है। No doubt, इसे भी उसने ही मारा होगा। कहीं उसने टेंशन में आकर अपने आप को खुद को गोली तो नहीं मार ली? ये सब इस गन की वजह से हो रहा है। Give me your bullets. ये बॉडी यहां पड़ी रहेगी तो टेंशन होगी, इसे ले जाकर उस कमरे में रख देते हैं। इसे भी उस साइको ने मारा होगा, तो वो यहां जरूर आया होगा। इसका मतलब मैं कंफर्म्ड हूं कि वो यहां पर कहीं आजू बाजू में ही होगा। सो यहां से बाहर जाने का कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। इस घर का एक एक कोना छान मारते हैं हम लोग, डेफिनेटली कोई ना कोई रास्ता होगा। मुझे लगता है वो भी यही होगा। हाँ, ओके, कम ऑन, लेट्स स्टार्ट। Ah!
तूने मारा है इसे? तू नहीं मारा है। तू नहीं मारा है। तू झूठ बोल रहा है। तूने मारा है इसे। तूने मारा। तुम झूठ बोल रहा है इसे। तू झूठ बोल रहा है। इसने मारा है इसे। नहीं मारा। नो, मैंने नहीं मारा। नो, मैंने नहीं मारा इसे। नो, मैंने नहीं मारा इसे। तेरी समझ में नहीं आता? Huh?
और किसे समझ रही थी? मैं एंथनी समझकर डर गई। मुझे देखकर तुझे डर नहीं लगता क्या? तुमसे क्यों डरूं? तुम किलर हो क्या? तुझे शक तो नहीं है कि मैं ही किलर हूँ? मजाक मत करो, मैं पहले से ही परेशान हूँ। ओह गॉड, यू मैंने बोला था ना कि मैं ही किलर हूँ, तुमने विश्वास नहीं किया ना? जगत को बड़ी भयानक मौत दी थी उसने, तभी मैं समझ गया था कि गेम सच्ची है और जो गेम नहीं खेलेगा उसे वो मार देगा। तभी मैंने डिसाइड किया कि मुझे अगर जीना है तो तुम सबको मारना पड़ेगा, इसलिए पहले अभिनव को मार डाला। उसे मैंने इस तरह मारा कि मुझ पर कोई शक ना हो और एसआई पर शक हो जाए, यही सोचकर मारा था। एंथनी और एसआई को एक दूसरे का मैंने दुश्मन बना दिया, दोनों ही आपस में लड़ने लगे और उसके बाद उस एसआई को मैंने टपका डाला। तुम एंथनी पर शक करोगी और मैं बच जाऊंगा। कमरे में लाइट नहीं थी, मेरा काम और आसान हो गया। डालूंगा, समझ गई ना? उसके बाद मधु शर्मा एंथनी, दैट्स इट, देन आई एम द विनर ऑफ द गेम बेबी। अब वो 10 करोड़ रुपए मेरे होंगे रे। दर्द हो रहा है? ज्यादा हो रहा है? अब नहीं होगा।
क्यों बे बबलू, कितना मासूम बनकर एक्टिंग कर रहा था। हम लोग एक दूसरे पर शक कर रहे थे और तू एक एक करके सबको टपका रहा था, और किसी को तुझ पर शक भी नहीं हुआ। गुड, प्लान अच्छा था, आई लाइक इट। मुझे जो करना था तूने वो करके मेरी मेहनत कम कर दी। थैंक यू बबलू, थैंक यू वेरी मच। नहीं एंथनी, एंथनी प्लीज, एंथनी, एंथनी प्लीज, मुझे मत मारो एंथनी। तुम्हें चाहिए तो सारे 10 करोड़ ले लो, लेकिन मुझे मत मारो एंथनी, मुझे मत मारो एंथनी प्लीज, प्लीज एंथनी। बेबी,
How are you, Ice Baby? Twenty-four hours. 7 persons. 1 alive. 10 crore prize money. 10 minutes remaining. Till. अब सिर्फ हम दोनों बचे हैं। मैं जो गेम स्टार्ट करना चाहता था, लेकिन उस बबलू ने ये स्टार्ट की। जिंदा रहकर मैं ये गेम जीतना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू बी विनर बेबी। वेट, यू वॉन्ट मी प्लीज वेट। ओके, लीव ऑफ योर क्लोथ्स। मेरे पास आओ। दुनिया में तेरी जैसी खूबसूरत लड़कियां बहुत मिल जाएगी, लेकिन 10 करोड़ देने वाला नहीं मिलेगा। सॉरी बेबी।
Congratulations, baby. You won the game. लेकिन तुम हो कौन? और हमें 10 करोड़ क्यों देना चाहते हो? हम सबको किडनैप किया और ये मौत का गेम किस लिए? ये चाबी किस लिए? ये सूटकेस किस लिए? ये मौत का टांडव किस लिए? जवाब दो। Don't be excited. मैं कौन हूँ और तुम लोगों को ही किडनैप क्यों? कि इन सारे सवालों का जवाब थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। तुम्हारे हाथ में जो चाबी है उसे लेकर 5th फ्लोर पे जाओ। वहां एक रूम में लाइट बोर्ड है, उसके पीछे ताला है, उसे खोलना तो तुम एक गोदाम में पहुंच जाओगी। वहां तुम्हें हर सवाल का जवाब मिलेगा, तुम्हारी प्राइज मनी भी वहीं मिलेगी। गो देयर। ओके। अब समझ में आया
तुम यहाँ क्यों हो? इस फोटो वाली लड़की से तुम्हारा तुम्हारा क्या रिश्ता है? खून का रिश्ता। She is my sister. तुम सब लोगों ने मिलकर मेरी मासूम बहन को वैशी जानवरों की तरह मार डाला। हेलो। हाय निकी, आई एम रॉकी। तुम कहाँ हो? मैं तो इस वक्त स्विमिंग क्लासेस में हूँ। इसी वक्त मुझे एक खूबसूरत लड़की चाहिए। इस वक्त अभी मिलना तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है। बहुत अर्जेंट है, कस्टमर इंतजार कर रहे हैं। प्लीज बात को समझो। ओके, सोचने दो। कितना दोगे? तुम जितना कहोगे उतने पैसे दूंगा, ओके? हाफ एन आवर में तुम स्विमिंग क्लासेस आ जाओ। हाय। हाय, अभी ज्वाइन किया है क्या? या, आज पहला दिन है। आई जस्ट कम। ओके। भाई, कम ऑन सिट। No thanks, that's okay. अरे, come on यार, it's just a cold drink. No. We are friends now. Come on यार, have a sip. Come on. Wow, super figure, तीखी मिर्ची लग रही है। टाइम नहीं है, डू फास्ट। हाँ ओके। मेरा पैसा दो। ये लो। हेलो एंथोनी, कहाँ है यार? तेरा इंतजाम हो गया है, तू ही लेट हो रहा है। हाय बेबी। बड़ा मजा आ गया। ऐश कर, चल पैसे निकाल। बॉडी कहाँ है? कम ऑन।
इसे भी मार दिया क्या? बस इतना ही? केस का मामला मैं देख लूंगा, पोस्टमार्टम का मामला तुम देख लेना, ओके? ओके, मैं देख लूंगा, डू फास्ट। ओके, यू गो। ए, कौन हो तुम? बिना परमिशन कैसे अंदर आ गए तुम? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। ये 1,00,000 रुपए हैं। अब तुम जिस लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने वाली हो, उसकी रेप से मौत नहीं हुई, बल्कि ज्यादा ब्लडिंग होने से उसकी मौत हुई है, ऐसी रिपोर्ट बनानी है तुम्हें। How dare you saying that? I'll call the police. दस लाख हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही नहीं बनानी है, बॉडी के पार्ट्स भी मुझे चाहिए। तुम सबको मैं चुन चुन कर कुत्तों की तरह मारना चाहता था, इसलिए पहले उस ब्रोकर को मारकर इसी गोदाम में फेंक दिया। लेकिन इसे मारने से मेरी बहन की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ये जानता था कि तुम एक दूसरे को नहीं जानते हो, इसलिए मेरी बहन ने जो दर्द सहा होगा वो तुम भी सहो, इसलिए तुम सबको किडनैप करके यहाँ लेकर आया मैं। तुम सब लोग ये जान सको कि मौत का खौफ क्या होता है। प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं जीना चाहती हूँ, प्लीज। इसलिए तुम सबके लिए मैंने ये खूनी गेम तैयार की ताकि खुद एक दूसरे को मारो। तुम्हारी बहन की मौत की वजह मैं नहीं थी, मैंने तो सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई थी, प्लीज बिलीव मी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ साथ बॉडी पार्ट्स भी भेज दिया तुमने, पैसों की लालच में तूने अपना ईमान धर्म सब बेच दिया, तुझे सजा मिलनी चाहिए। ये 10 करोड़ ही नहीं, और 10 करोड़ दूंगा, मेरी बहन को वापस ला सकती है। मुझे मेरी बहन जिंदा चाहिए, बोल बोल, तू उसे दिखा सकती है? नहीं ला सकती, फिर भी मैं तुम्हें एक चांस देता हूं। इस घर में सिर्फ हम दोनों जिंदा हैं, अभी थोड़ी देर में सामने का दरवाजा खुलेगा, 30 सेकंड्स टाइम मिलेगा, मैं उस दरवाजे से बाहर जाऊंगा। सो ट्राई योर लक बेबी, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Ooh.
भैया राखी बंधवाने जल्दी आ जाना। इस जन्म में किए गए पापों की सजा अगले जन्म में नहीं इसी जन्म में मिलती है। पुण्य किया तो अगले जन्म में काम आएंगे, लेकिन पाप किया तो उसकी सजा यही है। धर्म हो या अधर्म हो, उसे करने से पहले इंसान को सोच लेना चाहिए। पाप करने के बाद फिर सोचने का वक्त नहीं मिलता, सजा भुगतनी ही पड़ती है।